सो हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग CDS 2020 में जितने भी साइंस के क्वेश्चंस आए थे उनको करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने CDS 1 2022, CDS 2 2021, CDS 1 2021 से तीनों सॉल्व कर चुके हैं। चौथा साइंस का पेपर होने वाला, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, मैंने अपडेट कर दिया है, तो वहाँ पर जाके आप उनको रिवाइज़ कर सकते हो, नहीं किया तो उनको पढ़ सकते हो। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ और मैं रिपीट करता रहूँगा, एंड दैट इज़ कि जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस वजह से इस पर फोकस करते रहें, जो भी आपने पढ़ा है रहने दीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करें, थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और बस एक शिकायत है आप लोगों से कि सेशन देख के, ठीक है, एटलीस्ट एक कॉमेंट तो कर दिया करो, ठीक है, कि सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा, तो थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, जितने भी हम लोग के पास 10-12 दिन बाकी हैं उसमें हम लोग PYQs जितने कर सकते हैं उतने करेंगे, बिकॉज रिपीट होते ही होते हैं, इस पर कोई डिनायल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 86 था। अभी देख लो, CAPF में इसी बार पूछा गया था जो 7 अगस्त को हुआ था। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेट्स डबल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर मोमेंटम डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P² / 2m, जहाँ पे P आपका लीनियर मोमेंटम है। और ये निकला कैसे, उसका भी वो तरीका है कि काइनेटिक एनर्जी ½mv² होता है, यहाँ पे आप m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m पहले से ही 1 m और आ गया, तो यानी कि m² v² / 2m आ जाएगा, और mv² लिख सकता हूँ मैं इसको, mv² / 2m। और mv होता क्या है, मोमेंटम ही होता है, p = mv ही तो होता है, मास इंटू वेलासिटी, तो इसको मैं p² / 2m लिख सकता हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं ये रिलेशन मुझे रटा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो p² / 2m, तो अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर आप लीनियर मोमेंटम को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 times हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज बाई 2 times द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम विल, तो ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स है पूछ लेता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक जो जो कूलॉम फोर्स होता है उसमें भी आपसे पूछ लेता है। फॉर्मूला सेम है दोनों का, बस कांस्टेंट्स अलग हो जाते हैं, और यह वहाँ पे मास होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स में अगर हम बात करें, और वहाँ पे आपके चार्जेस होते हैं, फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, gm1m2/r², ये होता है ना आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोल रहे हैं टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं 2 times से, तो ग्रेविटेशन फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा पड़ेगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर हम यहाँ से देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, तो अगर तुम डिस्टेंस को 2 गुना कर रहे हो तो ये 4 गुना हो जाएगा, क्या कम की ज़्यादा, कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वहाँ पे डायरेक्टली था तो इस वजह से उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा था, यहाँ पे घटेगा उस प्रोपोर्शन से। ठीक है, तो डिक्रीजेस बाई 4 times, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका जी का आपको बताना है कि डायमेंशनल वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं इस फॉर्मूले में, फोर्स का रखियो यहाँ पे MLT-2, इसका आपका d² हो जाएगा, इसका m² हो जाएगा, बाकी CDS के एग्जाम में तो उतना डायमेंशन नहीं पूछता, बट NDA में पूछ लेता है। ठीक है, तो जो NDA के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई भी सिंगल NDA का एस्पिरेंट इन लेक्चर्स को CDS वालों को नहीं मिस कर रहा होगा, और CDS का कोई भी एस्पिरेंट NDA वालों को नहीं मिस कर रहा होगा, बिकॉज क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट करेक्ट, मैंने आपको क्या बोला था, एक टिप दिया था ना मैंने आपको, कि जनरली जो आंसर होता है वो सिमिलर ऑप्शंस में ही होता है। सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है, ये दोनों है ना सिमिलर ऑप्शन, ये बोल रहा है न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ये बोल रहा है न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, या तो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर होंगे या उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे, दोनों में से एक बार ट्रू होगी, राम है तो गोरा होगा तो काला होगा, ठीक है, बीच का नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से आपको पता है कि अराउंड एटॉमिक न्यूक्लियस के स्पेसिफिक शेल्स में या फिर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ना कि न्यूट्रॉन, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमसे गलत पूछा है, तो न्यूट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ये गलत होगा, बिकॉज हमसे गलत पूछा है, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है और इनका मास प्रोटॉन के बराबर होता है, सारा कुछ हम देख चुके हैं, और जो हमारा किसी एटम का जो मास होता है इट इज़ कंसेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, तभी न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक मास यही बनाते हैं किसी एटम का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, किस ऑर्बिट में कितने रिवॉल्व करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो 2n² फॉर्मूला से आता है, जो कि बोर्स फॉर्मूला, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं NDA के सेशन में भी और CDS में भी, और कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, प्रोटॉन निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है m, z एटॉमिक नंबर है, और मान लेते हैं m एटॉमिक मास है, और इसको एलिमेंट को a मान लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कि जो आपका बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी एलिमेंट की, वो शो करता है उसका एटॉमिक नंबर के थ्रू, ये हम लोगों ने कल देखा था। अब यहाँ पे जो z है वो एटॉमिक नंबर है, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो मैं एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को घटा दूंगा, मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल जाएगी। एकदम सिंपल है, सब कुछ रिपीटेड है यहाँ पे, ठीक है। जिसने भी लेक्चर्स कर रखे हैं जो मैंने आपके अपलोड किए हैं, अगर उस कर रखे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रा वायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट को हम कहाँ पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स पढ़ाया था, तो यहाँ पे यहीं पे तो आ रहा है आपका अल्ट्रा वायलेट। तो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वही है, बिल्कुल सही है। इट कैन ट्रैवल थ्रू, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, और ट्रांसवर्स वेव आपकी वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं। दूसरा सही है। तीसरा अभी बोला ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है तो लॉन्गिट्यूडनल कैसे हो सकती है, तो गलत हुआ। लॉन्गिट्यूडनल का ठेका तो हमारा साउंड वेव ने ले रखा है, तो साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन अगर लाइट इनकी अल्ट्रा वायलेट लाइट की बात करें इन सबकी, ये आपकी होती है ट्रांसवर्स वेव एंड दे कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। लॉन्गिट्यूडनल जो आपकी वेव होती हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, और इनको हम पोलराइज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर सी होगा, बिकॉज गलत पूछा था, ठीक है। इट्स वेवलेंथ इज शॉर्टर स्मॉलर देन दी विजिबल लाइट। तो अगर देखो तो विजिबल पहले आता है और यू यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट बाद में आता है, तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था ना, ये घटता हुआ वेवलेंथ का ऑर्डर है। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, इसका आर का यानी रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा होगा, और जी यानी गामा वेव्स का सबसे कम होगा वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्ध्य। अगला सवाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई सी, स्पीड इन अ मीडियम इज वी, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अगेन ईजी क्वेश्चन, अगेन जब भी हम लोग करके आए थोड़ी दिन पहले, उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप ही खुद ही बताओ कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे नया मिल रहा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ साइंस इज अ स्कोरिंग सेक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम। यही तो है यहाँ पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही बात तो हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है सी, मीडियम कितना है वी, तो सी अपॉन वी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अंडर द किंगडम प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक बोल रहा है, तो ब्रायोफाइट्स मत लगाइएगा। ब्रायोफाइट्स बिल्कुल ही आपके जैसे कि मेंढक होता है, जमीन में भी रहता है पानी में रहता है, तो उसी एम्फीबियन कैटेगरी से जिस प्रकार वो आपका फ्रॉग बिलोंग करता है, तो प्लांट की एम्फीबियन कैटेगरी को ब्रायोफाइट बोलते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक तो नहीं हुए ये, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं एल्गे, ऑप्शन नंबर बी। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, तो टेरिडोफाइटा वो होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपके प्लांट जो सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं टेरिडोफाइटा, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो वो होते हैं जिनकी नेकेड सीड होती, खुला सीड होती, कोई कवरिंग नहीं, और एनजियो में आपकी नेकेड सीड नहीं होती, कवरिंग होती है, ये होते हैं फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं प्लांट किंगडम का, जो मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको बना के दिया था, ठीक है। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट बिलोंग टू अ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड स्पीसीज, जीनस, फैमिली या फिर ऑर्डर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीनस। अभी टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरी होती है ना, इसको हम काफ़ी उसमें ग्रुप करते हैं, काफ़ी का मतलब 8 लेवल्स में ग्रुप करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका ऑर्डर भी लगाने को पूछ सकता है, पूछा भी उसने पहले, सबसे पहले स्पीसीज आती है, स्पीसीज के बाद उसका जीनस आता है, जीनस के बाद उसका फैमिली आता है, उसके बाद उसका ऑर्डर आता है, उसके बाद क्लास आता है, देन आपका फाइलम आता है, और देन आपका किंगडम, और फिर देन लास्ट में आता है डोमेन। ये होता है आपका पूरा 8 लेवल्स ऑफ हायरार्की। इसके बाद सबसे पहले स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये ऑर्डर पहले पूछ चुका है आपके, चाहे सीरियस एग्जाम हो चाहे आपका एनडीए एग्जाम हो, ठीक है। और टैक्सोनॉमी क्या होता है भाई, जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी लिख रखी है, तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन दी ग्रुप, ठीक है, चीज़ों को ग्रुप में अरेंज करने का एक बस स्टडी है, ठीक है, टैक्सोनॉमी। अगला है आपका, पर्ल्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, तो जो मोती होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, प्रॉन, पाइला, ट्यूना, ऑयस्टर, तो ये ऑयस्टर से मिलते हैं। ऑयस्टर होता है एक तरह का मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसको जब हम हटाते हैं मतलब बीच से तोड़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे शाइनिंग हमें मिलते हैं मोती, ठीक है, उसके अंदर ऐसे रहते हैं, ठीक है, बड़ा अजीब सा लगेगा उसको देख के, अगर आप देखोगे इसको, वो ऑयस्टर होता है आपका, ऑयस्टर से आपको ये पर्ल्स मिलते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स आर कंसिडर्ड एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बिकॉज दे हैव, तो ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी हम लोगों ने किया था, और अभी भी जब हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे थे तब भी मैंने आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वहाँ पे बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है होमोलॉगस, दूसरा होता है एनालॉगस।
होमोलॉगस में क्या होता है कि दिखते सेम है, यानी कि लुक्स सेम, बट जो फंक्शन होगा दैट विल बी डिफरेंट. एनालॉगस में जस्ट इसका उल्टा होता है, कि लुक्स डिफरेंट बट जो आपका फंक्शन होता है वो सेम होता है. एग्जाम्पल के तौर पे होमोलॉगस की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो होमोलॉगस का आपका एग्जाम्पल है बर्ड का यानी चिड़िया का, और ह्यूमन का यानी इंसानों का पंजा. सेम की तरह दिखता है लेकिन काम अलग होता है. इसको बर्ड जो हैं उड़ने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और हम ह्यूमंस इसको न जाने किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, न जाने कितने प्रकार से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. कुछ लोग इसका जो इसका यूज़ है वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे करते हैं, ठीक है. तो लुक्स डिफरेंट और फंक्शन सेम, इनको बोलते हैं एनालॉगस. एग्जाम्पल के तौर पर बर्ड का पंजा और बैट का यानी चमगादड़ का पंजा, दोनों ही लगते दिखते डिफरेंट है लेकिन काम एक होता है, और वो होता है फ्लाई, उड़ने का. तो डिफरेंट ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सेक्रेशन, पेप्टिक अल्सर आर ऑल्सो डेवलप्ड ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द कॉजेटिव एजेंट इज. अब ये दोनों तो होने से रहे, क्योंकि पेप्टिक अल्सर की बात कर रहा है मुझसे, और ये निमोनिया, इसे तो निमोनिया होता होगा, इसे तो टाइफाइड होता होगा सालमोनेला टाइफाइड से, तो ये दोनों तो होने से रहे. ई कोलाई है और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो लेक्चर तो ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया, याद करो, ठीक है. अगर लेक्चर से रिवाइज किएंगे तभी इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि ये कहीं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं डाला था इस पे, ठीक है. यानी हम लोगों ने देखा था इसको बट बहुत ज़्यादा फोकस से नहीं पढ़ा था, तो इस यही कारण होता है रिवीजन से चीज़ों जो चीज़ें आपकी छूट चुकी होती हैं, माइंड आपका जो एब्जॉर्ब करने में पहली बार पढ़ने में जो रह गया था वो रिवीजन के टाइम पे आपको दिख जाता है. जैसे आप मान लो कि एक रोड है ए, पहली बार आप जाओगे और मैं आपसे पूछूं उस रोड में क्या क्या दिखा तुम्हें, तो तुम बोलोगे ये दिखा, स्कूल दिखा, पेड़ दिखे. लेकिन जब तुम दोबारा जाओगे, तिबारा चार पाँच बार चले जाओगे, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ पर नोटिस होंगी, कि वहाँ पर एक चाय की दुकान भी है, वहाँ पे एक छोटा सा लड़का रोज़ मुझे सुबह खड़ा मिलता है जो स्कूल बस का इंतज़ार कर रहा होता है. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तब नोटिस होती हैं जब रिवीजन हम करते हैं, ठीक है. अब ज़्यादा यहाँ पे ज्ञानबाजी में नहीं करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देता हूँ. जैसे आपको पता होना चाहिए स्लीपिंग सिकनेस और काला आजार, ये दोनों प्रोटोजोआ की वजह से डिजीजेज होते हैं. स्लीपिंग सिकनेस के लिए हमारा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ है. और इसके अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर है आपका सेसेफ्लाइज, ठीक है, सेसेफ्लाइज. और अगर मैं बात करूँ काला आजार का तो ये लेशमानिया की वजह से होता है, लेशमानिया. और इसके लिए आपके सैंड फ्लाई जो है कैरियर के तौर पे एक्ट करती है. अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl कैन बी सेपरेटेड बाई, तो इन दोनों का मिक्सचर हम सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं, बिकॉज जो NH4Cl होता है दैट इज वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस या फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो वही तो है सब्लिमेशन, यहाँ पे सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है. फिल्ट्रेशन में वही है कि किसी का एक का साइज़ ज़्यादा होगा एक का कम होगा, तो फिल्टर करके हम फिल्टर कर लेंगे उसको. क्रोमैटोग्राफी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे कलर्स की बात आती है, जहाँ कलर सेपरेट करने होते हैं, तो वहाँ पे क्रोमैटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आता है. जैसे कि जो डाई होती है किसी इंक की, उसके डिफरेंट कलर्स को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो हम क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं. डिस्टिलेशन का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जब दो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी का जो डिफरेंस है वो 25 केल्विन से ज़्यादा का है, ठीक है. और इसी की जगह हम एक और यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दो मिसेबल लिक्विड्स तो हैं या फिर दो मिसेबल चीज़ें हैं लेकिन उनका फ्रैक्शनल जो उनका बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ लेस दैन 25 केल्विन. जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर को उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मुझे सेपरेट करना है, आई विल यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अगर मुझे एसीटोन और वाटर सोल्यूशन को अलग करना है तो मैं डिस्टिलेशन का यूज़ करूँगा, ठीक है. ये चीज़ ध्यान रखना है. क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं आपके सामने, ये तत्व का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. मतलब एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं. अब आपको शायद वैल्यू समझ में आ रही भी जो मैंने आपको कंटेंट दिया था. और जब एग्जाम में जाओगे तो भी वहाँ पे 30 में से 25 तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, साइंस में बोल रहा हूँ 25 प्लस ही आप निकाल के लाओगे वहाँ पे, अगर आपने सही से लेक्चर रिवाइज कर रखे और PYQs को अटेंड कर रखा है सेशंस को. तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई जॉन जेकब बर्जीलियस. लेक्चर में बताया था, PYQ जब सॉल्व कर रहे थे तब भी बताया था, बर्जीलियस ने सबसे पहले एटॉमिक जो सिंबल्स हैं ना, एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं उनको दिया था, और इनको सबसे पहले यूज़ किया था डाल्टन ने. दिया बर्जीलियस ने था और यूज़ किया था डाल्टन ने. जब मैंने आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था इसको कैटेगराइज करके, ठीक है. आगे बढ़ें. आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर. तो ब्रोमीन और मरकरी, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, और मरकरी एक ऐसा
मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ब्रोमीन एंड मरकरी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मुझे इतना याद नहीं कि ये एनडीए से कि सीडीए से, तभी बोलता हूँ एनडीए के सेशन में भी आपको रेगुलर रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज द बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, एक तरह से घुमा फिरा के बोल रहा है एम्फोटेरिक कौन है। अब जो हमारे देखो एसिडिक ऑक्साइड किसके ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं नेचर में। तो अब ये एसिड है इसका ऑक्साइड, तो यानी कि अगर मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी तो मुझे बेस से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ अगर करवानी तो एसिड से रिएक्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता है और मेटल आपका मेटल का ऑक्साइड बेस से रिएक्ट नहीं कर सकता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड से नहीं कर सकता, मेटल का ऑक्साइड बेस से नहीं करता कर सकता। जैसे कि एक लड़के या लड़के की, तो लड़की की शादी तो होगी, लड़का लड़का से नहीं कर सकता, लड़की लड़की से नहीं कर सकता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और वही एक्सेप्शन है आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिडिक भी बिहेव करते हैं और बेसिक भी बिहेव करते हैं, और इनके एग्जाम्पल है जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड। सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन, और मुझे रिमेंबर नहीं है कि एनडीए वाले में क्या था फिर सीडीएस वाले में, लेकिन शायद सीडीएस वाले में ही आया था आपका कि सिल्वर जो आर्टिकल्स है वो ब्लैक टर्न हो जाते हैं, क्यों, उसका कारण क्या था, मैंने आपको पूरा रिएक्शन के थ्रू समझाया था। कैसे आपको मैंने बताया था कि आपका सिल्वर है और ये H2S के साथ रिएक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है आपका एयर में उसके साथ रिएक्ट करके Ag2S का फॉर्मेशन करता है, और Ag2S जो होता है ये ब्लैक कलर का हो जाता है। जैसे कि हमारा जो आयरन होता है एयर से रिएक्ट करता है जो ऑक्सीजन में होती है, और सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो एयर में होती है, और इससे हमारा आपका ये आयरन का ऑक्साइड बना देता है, और ये आयरन का ऑक्साइड इसी को बोलते हैं रस्टिंग, जंग लगना, इसका कलर होता है लाल, रेडिश ब्राउन जो है ये रस्टिंग चढ़ जाती है, वैसे इसमें भी आपका सिल्वर सल्फाइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ag2S। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे रस्टिंग ना हो, ये मान लेते हैं आयरन है, अब इस पे रस्टिंग ना हो तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस पे करता हूँ गैल्वनाइजेशन। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, गैल्वनाइजेशन में आप जिंक की कोटिंग करते हो, फिजिकली जिंक की कोटिंग चढ़ा देता है जैसे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है। अब अगर इसमें मैं एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दूं तो उसको बोला जाएगा एनोडाइजिंग, लेकिन ये फिजिकली प्रोसेस नहीं होता, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज विल बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्जेस्ट एंगल, सबसे ज़्यादा एंगल से कौन बेंड करेगा। इतनी बात तो क्लियर है, लार्जेस्ट एंगल बोल रहा है, तो मैं नहीं पता कि हाँ भाई पावर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही ज़्यादा लाइट बेंड करेगा, लेकिन एटलीस्ट ये दो ऑप्शन तो हटा सकते हो ना, ये और ये वाला, क्यों, क्योंकि कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ही तो होगा, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल बोला है, या तो पॉजिटिव में लार्जेस्ट होगा या तो नेगेटिव में लार्जेस्ट होगा, यही तो। वैसे तो ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लस का जो 2.5 डेल्टा, प्लस का मतलब क्या है कि ये कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो जो प्लस 2.5 डायोप्टर है ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंगल का जो है बेंडिंग करेगा लाइट का। ठीक है, अगला है और पावर होता क्या है, 1/focal length। अल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, इमेज ऑब्टेन इन द स्क्रीन इज, अब वो मत लगाने लगना 1/V-1/U=1/F, सीधे देखो फोकल लेंथ कितनी है, 25 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, अगर फोकल लेंथ 25 है तो 50 होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 40 में रखा है, यानी कि फोकल लेंथ और आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो अब कैसे मैंने पूरा समझाया थे ना तुम्हें, जो कि अब नहीं समझाएंगे फिर से बार बार, दो तीन बार PYQ में आपको करवा चुके हैं। तो जब F और R के बीच में, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो जो इमेज होती है वो सेम साइज़ की बनती है, जैसे अब आप पास लाना स्टार्ट करोगे वैसे ही बढ़ता चला जाएगा साइज़, तो F और R के बीच में जब आएगा तो अपने आप, मैंने आपको बताया था वो रटा होना चाहिए, रटा के हमने पूरा समझाया था, रटवाया नहीं था कुछ, तो वो एनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, तो स्मॉल तो बनेगी नहीं, एनलार्ज या मैग्नीफाइड ही बनेगी। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉन्केव मिरर, और इनमें हर केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, एक्सेप्ट वन केस, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस है, फिर पोल और ऑप्टिकल जो सेंटर है उसके बीच में रखा होता है, तो यहाँ पोल और फोकस या फिर फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो रखा नहीं हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसके बीच में रखा हुआ है आपका फोकल लेंथ, तो यहाँ पे आपका रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तुरंत देख के करना है, इसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह वो फॉर्मुला वगैरह यूज़ नहीं करना है। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स इनटू ग्लास मीडियम फ्रॉम वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 degree, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया अभी, जब हमने आपको ये एक लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको फिजिक्स का डाला था उसमें, और PYQ भी हम लोगों ने देखा था, NDA में क्वेश्चन आया था, तीन केसेस बताए थे,
ये तो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, जब आपका डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और एक केस मैंने आपको बताया था जहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है वो सीधे आती है सीधे नॉर्मल, जैसे नॉर्मल होता है ना नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर जो आती है वो सीधे निकल जाती है, उसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होता है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो कि 0 डिग्री होगा वही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री? बिकॉज नॉर्मल से ये 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, और एक चीज़ जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, और इसमें एक खासियत ये होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या है अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन एंगल कम होगा, यहाँ अगर बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बात करें छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल और रिफ्लेक्शन में तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा ही होगा। विच आर द फॉलोइंग फेनोमिना वेरीफाइज द फैक्ट दैट लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन साउंड? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइटिंग ऑफ मैचस्टिक, थंडरस्टॉर्म, मिराज। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ कन्फर्म करेगी कि जो लाइट है वो फास्ट ट्रैवल करती है साउंड के कंपेरिजन में। आपको पता है कि साउंड में अगर साउंड के अगर रेट में बात करें तो अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड, और इसकी अराउंड आपकी 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से कैसे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से आवाज़ थोड़ी ना आती जो हम पता लगा सकते हैं, लाइटिंग ऑफ मतलब माचिस जलाएंगे तो वो पता चल जाएगा। थंडरस्टॉर्म सही आंसर होगा, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली। अब बिजली क्या होता है, बिजली में हमें पहले बिजली दिखाई पड़ती है तब उसकी गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि लाइट जल्दी ट्रैवल कर लेती है तो हमें जल्दी से दिखाई दे जाती है, साउंड बेचारा पीछे रह जाता है। ठीक है, ये चप्पल लेके भागता है, हम फर्स्ट, और ये बेचारा पीछे रह जाता है साउंड, तो इसी वजह से साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, और ये थंडरस्टॉर्म। मिराज क्या होता है भाई, तो मिराज हम लोग देख चुके हैं एनडी वाले सेशन में कि एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, जब जैसे हम अगर ड्राइव कर रहे होते हैं दोपहर में गर्मियों के टाइम पे तो हमें ऐसा लगता है रोड में पानी पड़ा हुआ है, तो पानी तो पड़ा नहीं होता है, वो ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ठीक है, तो मिराज के लिए आपका ध्यान रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, TIR। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है और ये इंग्लिश में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन वुड प्रोड्यूस शार्पेस्ट शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट? जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन आप देख लो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पॉइंट सोर्स, ओपेक स्क्रीन, एक्सटेंडेड सोर्स, ओपेक स्क्रीन, पॉइंट सोर्स, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन एंड एक्सटेंडेड सोर्स एंड ट्रांसपेरेंट स्क्रीन, मुझे शार्पेस्ट शैडो ऑप्टेन करनी है। शार्प ऑप्टेन करनी है यानी कि एकदम जैसे कि शीशे में अपनी इमेज देखते हो ना तुम, तो अगर मान लो कि वहाँ पे पॉलिश है दूसरे साइड में तभी देख पाते हो ना, अगर वो पॉलिश नहीं होगी देख पाओगे खुद को? रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आँखों में पड़ रही है ना लाइट, तुम्हारा तुम ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अगर ये नहीं होगी यहाँ पे पॉलिशिंग, ठीक है, तो क्या तुम देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, वो ओपेक नहीं रहेगा। तो अगर मुझे शार्पेस्ट शैडो ऑप्टेन करनी है तो मुझे ओपेक तो चाहिए, ओपेक स्क्रीन पहली बात, और पॉइंट सोर्स देगा अच्छी इमेज, शार्प शैडो या फिर एक्सटेंडेड सोर्स, बताओ। कोई बहुत बड़ी जैसे मान लो काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, आप उसकी फ़ोटो खींचो दूर से, वो शार्प आएगी, या फिर मान लो एक छोटे से एक किसी बच्चे को, बच्चे की मैं जो है फ़ोटो खींच रहा हूँ उसकी आएगी, तो जाहिर सी बात है पॉइंट सोर्स। यहाँ पे मैं आपको बस लेमैन सिंपल टर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट सोर्स और ओपेक स्क्रीन की सबसे शार्पेस्ट शैडो बनेगी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कन्वेंशनल क्या है, जो पहले से पुराने से चलता आ रहा है और चल रहा है वो। नॉन कन्वेंशनल वो है कि जो अभी रिसेंटली ही चलन में आया, प्रचलन में आया है। तो घुमा फिरा के मैं नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल बोल सकता हूँ। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है ये पूछ रहा है मुझसे, तो सोलर एनर्जी तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कन्वेंशनल की बात कर लूँगा कोल हो जाएगा आपका, ठीक है, क्रूड ऑयल हो जाएगा कन्वेंशनल सोर्स, लेकिन नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सारे आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट? तो फ्लोएम किस तरह का टिश्यू है पहले तो यही बता दो कमेंट में, तो मुझे किस तरह का, सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम करते हैं जेल का ट्रांसपोर्ट, जाइलम जेल, जेल और मिनरल यानी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम फल का यानी कि फूड का। ठीक है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल नहीं, तो जाइलम का काम है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, बिल्कुल, जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बनता है यानी फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनाता है, प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं ना, तो वही फूड जो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान रखना फ्लोएम टू वे होता है,
फ्लोएम जो है टू वे होता है और जाइलम वन वे होता है। जाइलम वन वे होता है यानी कि नीचे से ही तो पानी और मिनरल्स आएंगे ऊपर की तरफ, बट फ्लोएम कैसे टू वे है, क्योंकि फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फूड वहाँ वहाँ बनेगा जहाँ ग्रीन प्लांट होगा। ग्रीन प्लांट ऊपर भी पत्तियों में नीचे भी है, जहाँ जहाँ ग्रीन प्लांट होगा वहाँ बनेगा। इस वजह से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों होता है फ्लोएम में, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सिंपल टिश्यू, अभी देखा कॉम्प्लेक्स होता है, और फ्लोएम्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट, नहीं, ठीक है। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि आई थिंक एनडीए में या फिर पता नहीं सीडीएस में किसी में हम लोगों ने किया था कि इनमें से डेड सेल्स कौन सी हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। इनमें से डेड सेल्स किसकी हैं वो पूछा था। गया डेड होगा, सुपराइज होगा कि लिग्निफाइड वॉल, लिग्निफाइड लेक्चर जब मैंने करवाया तो पढ़ाया था ना, लिग्निन का बना होता है ये, लिग्निन, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होती हैं और ये आपका टफनेस प्रोवाइड करती हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, पैरेनकाइमा स्टोरेज ऑफ फूड, और यही एरेनकाइमा का भी, एरेनकाइमा इसी का पार्ट होते हैं पैरेनकाइमा का, जो कि एयरी स्पेसेस आपको प्रोवाइड करते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो है डेड सेल्स से बना होता है और ये इसकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इन ह्यूमन बींग्स द क्रोमोसोम्स दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड। तो क्रोमोसोम्स अगर बात करें भाई, कितने होते हैं क्रोमोसोम, तो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से एक होता है सेक्स पेयर, एक सेक्स पेयर होता है जिसमें कि आपका या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। अगर एक्स एक्स है तो उसका मतलब है वो फीमेल है, और अगर एक्स वाई है तो इसका मतलब है वो मेल है, ठीक। अब मान लें ये फीमेल और ये और मेल, इनमें अब अगर मान लो कि इनसे क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, वो डिसाइड करेगा इनसे क्रोमोसोम। अब फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, एक्स ही तो आ सकता है, क्या वाई आ सकता है, जब वाई है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा, इसके पास तो एक्स और एक्स है। अब मान लेते हैं मेल से या तो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है, तो मान लेते हैं मेल से एक्स आ गया तो एक्स एक्स बन के क्या हो गए, ये फीमेल यानी कि एक लड़की बच्ची हुई। और अगर मान लेते हैं दूसरा केस, यहाँ पे फीमेल से तो एक्स ही आना है और मेल से इस केस में मान लेते हैं वाई आया, तो ये आपका मेल होगा, ठीक है। तो कहीं फिर देखें तो घुमा फिरा के लड़का होगा या लड़की, ये खेल डिसाइड करता है जो आपका पुरुष होता है। और दोष किसको दिया जाता है, महिलाओं, गांव में अभी भी ऐसा होता है, दोष महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन अभी आपने देखा कि बायोलॉजी में क्या, बायोलॉजी ने क्या प्रूव किया कि इसके लिए मेल रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो एक्स क्रोमोसोम देगा तो लड़की, वाई क्रोमोसोम देगा तो आपका लड़का। वैसे लड़के लड़की में कोई पता है भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एवरी वन इज इक्वल और सब में इक्वल पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो खैर गाँव में भी अभी ये भी मानसिकता होती है, तो वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक्स एक्स तभी तो फीमेल बनेगा, वन एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम फ्रॉम होती है तो मेल बन जाएगा, यहाँ पे तो फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है, और दो तो आते ही नहीं है, ठीक है। एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सीडीएस के पीवाईक्यू में अभी देख के हैं और एनडीए में भी देख के आए हैं कि पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है क्यों बैक्टीरिया के खिलाफ, बस अलग अलग तरह से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर देता है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था, क्यों ये बैक्टीरिया के खिलाफ तो कारगर होती है लेकिन वायरस के खिलाफ नहीं, क्योंकि सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया करता है। आपको मैंने बताया था कि सेल वॉल किस किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट सेल, इन सब सेल में सेल वॉल में देखने को मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। अब ये सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया को, उसको ब्लॉक कर देता है, तो इसी से पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ कारगर होता है। लेकिन ये वायरस के खिलाफ, क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटीरियल होता है, जो आरएनए या डीएनए का बना होता है, उसको कुछ कर ही नहीं पाता है, ठीक है। उस क्योंकि वो बैक्टीरिया जिस पाथ से बनता है, जिस रूट से बनता है, उसको पेनिसिलिन ब्लॉक कर देता है, लेकिन वायरस का तो कुछ और ही रूट है, तो कहाँ से ब्लॉक कर पाएगा। तो इसी वजह से वायरस के खिलाफ हम वैक्सीन लेते हैं, और वैक्सीन एक तरह से प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी कि हमें प्रिवेंट करता है। अगर आपको वायरस घुस गया आपके अंदर, आपको वायरल बीमारी हो गई, तब आप वैक्सीन लोगे तो उसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको वायरस वो अटैक ना करे इसलिए आप वैक्सीन लेते हो। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर में भी कर चुके हैं, और अभी प्रीवियस ईयर के दौरान जब मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फो देता हूँ उसमें मैंने आपको बताया था आंसर प्रोटियम होगा। अब ये होता क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, मैं बता चुका हूँ, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। तो 1H1, 1H2, 1H3 तीन आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें से जो प्रोटियम है आपका, दैट इज रेडियो एक्टिव, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बायोलॉजिकल टिश्यूज। बायोलॉजिकल टिश्यूज को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का, क्यों, क्योंकि इसमें लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, और ये रिएक्टिव नहीं होता है। तभी तो देखो हम चिप्स के पैकेट में
क्या भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है, इसीलिए। नहीं तो अगर ऑक्सीजन का संपर्क हो गया तो वो खराब हो जाएगा, क्योंकि सड़न हो जाएगी, बिकॉज वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है, सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर एकदम घटा देता है और रिएक्टिव उतना नहीं होता, तो इसी वजह से बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पर्म हो गया, एग हो गया, इन सबको इसी में स्टोर करते हैं ताकि एकदम ज्यों के त्यों बने रहें। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड नहीं बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, लेड, टिन या फिर सिल्वर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आपका ऑक्साइड नहीं बनाता है। सिल्वर को जब आप खुले में छोड़ोगे तो H2S से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है, क्योंकि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो मैंने आपको याद कराया था कैटरीना ने कार मांगी है ना, ऑल्टोज एंड फरारी, तो अगर आप देखो तो सिल्वर काफ़ी नीचे आता है, मैग्नीशियम तो ऊपर आता है, तो ये रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देगा, ये भी ऑक्साइड बना देगा और ये भी आपका ऑक्साइड बना देगा, सिल्वर आपका ऑक्साइड नहीं बनाता ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, एयर के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड बनाता है। फॉस्फोरस की वैलेंसी पूछी हुई है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको वैलेंसी होती क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी गेन्ड और टू बी लूज टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक, और स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। तो अगर मैं, मुझे पता भी नहीं वैलेंसी क्या होगी तो भी मैं आंसर कर सकता हूँ, 2+3 5, 3+4 7, 4+5 9, 3+5 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, तो या तो इन 3 को खो दे तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, या तो 5 को ले ले तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, 2 केसेस हो सकते हैं, तो वैलेंसी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी वही मैंने बताया कि दोनों को जोड़ दो जिसमें सम 8 आ रहा हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, तो लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी प्रीवियस ईयर से है, अब मुझे पता नहीं एनडीए से या सीडीएस का भी, अगर जो लोग रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे आपको मिलता है लेड ऑक्साइड और मिलता है आपको NO2। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, वो ब्राउन फ्यूम्स क्यों मिलते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड की वजह से मिलते हैं, NO2 की वजह से मिलते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसके ब्राउन फ्यूम्स इसी से मिलते हैं बिकॉज यहाँ पे NO2 रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन हो गए खत्म हमारे साइंस के, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमारे साइंस के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा बाकी जहाँ पे भी, फ्रेंड के साथ और ग्रुप में, ठीक है, और बाकी आपका जो भी वैल्यूएबल कमेंट है उसको ज़रूर ड्रॉप करें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और परमार ऑफिसर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, वहाँ पे करंट अफेयर की PDF आपको जल्द ही मिलने वाली है, परमार ऑफिसर्स, ठीक है, धन्यवाद।